ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मऊ जनपद का नवीन उप कृषि मंडल स्थल है, जहां पर 10 तारीख को मतगणना होनी है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में लगे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन कुछ गड़बड़ी कर सकता है। और ये देखिए, इसके सामने ही यहाँ पर सारे प्रत्याशी दरी और कुर्सी बिछाकर यहाँ ईवीएम की निगरानी में लगे हैं। कि आप सवाल तो जो पूछ रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई नुकसान हो जाए उससे उसके बाद हम कोई निर्णय लें, इसलिए उससे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशों अनुसार, जैसे शिवपुर में एक घटना हुई, आज एक ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई जिसकी वीडियो आपके पास भी आई होगी, इस वजह से ऊपर से हमें आदेश हुआ है कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं और सभी जो पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेता हैं, वो सभी अपने लोगों के मत अधिकार को बचाने के लिए जहां ईवीएम रखी है उस क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रशासन का सहयोग करें। और देखिए, आप जैसे यहां देख सकते हैं, प्रशासन रोड की उस तरफ मंडी के गेट पर अपनी सुरक्षा लगा करके इंतज़ाम किए हुए हैं, वहीं हम गेट के इस तरफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसलिए खड़े हैं कि कहीं दबाव में आकर प्रशासन के द्वारा अगर कोई काम किया भी जाता है तो हम उस पर हस्तक्षेप कर सकें। और रही बात जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो ऐसा भी अंदेशा है हमें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये मैसेज है कि हो सकता है जो लोगों को परमिशन दे करके यहाँ पर बूथ पर खड़ा किया गया है, यहाँ बूथ कह रहा हूँ सॉरी, जिनको खड़ा किया है हमारे जहाँ पे ईवीएम रखे हुए स्ट्रांग रूम के बाहर, उनको भी रात बिरात हटाया जा सकता है, ऐसी की हम लोगों को अंदेशा। उस अंदेशे से बचने के लिए हम लोग अपनी पूरी तैयारी से यहाँ आकर बैठे हैं और अब यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक काउंटिंग ना शुरू हो जाए। कैसे ये संभव कैसे है, कैसे टाइम ड्यूरेशन आप देंगे या स्लॉट वाइज? देखिए, यस, हमारा मनोबल बहुत है और आप लोग भी यहीं हैं, तो आप देखिएगा कैसे हम लोग रहेंगे, सोएंगे खाएंगे यहीं पर, यहाँ भौरी लग रही है, आप भी चलिए खाइए हम लोगों के साथ और यहीं बैठा जाएगा। कुछ लोगों को बुलाया गया है और सभी लोग बारी बारी कुछ खड़े रहेंगे, कुछ बैठेंगे, फिर जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे, फिर बाकी बैठ जाएंगे। कोशिश ये करना है कि अगले दो दिनों तक हम यहाँ पर कोई भी अनहोनी से बचें, और हम भी ये चाहते हैं, हमें उम्मीद है प्रशासन भी यही चाहता होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे ताकि हम इस देश के लोकतंत्र के पर्व को हंसी खुशी मना सकें। और 10 तारीख को जब रिजल्ट आए, आप लोगों को भी लग रहा है ना कैसा हो रहा प्रदेश में? लोगों का